कुछ साथ नहीं यहाँ पे देखो आप, पहला अगर दो है जो फ्लाइट ले रहे हैं। मंदिर से कोई घंटा भर पहले इस तरह से आपको कुछ घर बने हुए हैं जहाँ पर भेड़ पालक अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। और एक हाँ जी गुलेरी जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो चिल्लर गैंग है वो बैठी हुई है और ये हमें बोल रहे हैं चिल्लर गैंग पीछे पीछे हमें मिली थी तो रास्ता भटका दिया चिल्लर गैंग ने, बोलते कि दूसरी साइड से जाओ वहाँ बोला सीढ़ी बनी हुई है, हम तो गए नहीं लेकिन चिल्लर गैंग को वापस आना पड़ा। जय हो। एक घंटियाँ हैं जो माता के मंदिरों के लिए लेके जा रहे हैं। एक नीचे जो मंदिर है उसका नाम क्या बताया आपने? अग्निवीर का मंदिर है। तो ये जो पहले अग्निवीर जी के लिए है और अगली माता बीरनी के लिए है। आपका नाम क्या है? सरव कुमार जी। बड़े प्यार से जा रहे हैं ऊपर, इनको लेके श्रद्धा है। हाँ आप यहीं रहते हैं जी? कहाँ रहते हैं वैसे? सर मेरा ये महीने आ रहे हैं ना, मेरा माल था ना। अच्छा अच्छा। मेरा माल ढीला कर दे बहुत ही गया। अच्छा अच्छा था। हाँ वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। चाचा जी कह रहे हैं कि ये अपनी भेड़े लेके वापस घर चले गए हैं और सुरक्षित हुआ सारा इनका जो धन था भेड़े सब घर पहुंची है। तो उस खुशी में ये घंटियां जो हैं ये माता और मंदिर को भेंट करने जा रहे हैं। और ये जो हॉल्ट है इस पाए में आप पानी पी सकते हैं, यहाँ पानी मिलता है। ये सर यहाँ पानी रहता है, सामने नलका है, यहाँ पे आके आप पानी भर सकते हैं आगे के रास्ते के लिए। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह का नल यहाँ लगा हुआ है। ये नल बेसिकली इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। ये देखिए पाइप से निकाला हुआ है। और क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शौर्या। शौर्या तो पानी भर रहा है। शौर्या थक तो नहीं गया? रास्ता क्यों भूल गया था? तो कौन गया था सीढ़ियों से? सीढ़ियों में कौन जगह? सीढ़ियों के चक्कर में चलो। और ये देखिए नीचे पालमपुर का दृश्य बड़ा ही सुहाना। देखिए वो नीचे सौरभन बिहार का ये जो दिख रहे हैं आपको ये पेड़ साथ में खड़ जा रही है। ये आईटीआई का एरिया जहाँ खड़ आपको दिख रही है बड़ी आईटीआई के पीछे। और ये आपका कंडी ब्रिज ये साथ में दिख रहा है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये कंडी ब्रिज है, साथ में झूला ब्रिज है, ये सौरभन बिहार है, ये आईटीआई है, ये शुगर है, ये गुग्गर है, ये पालमपुर है, इस तरफ आर्मी कैंप है। और इस तरफ जो है बीड़ बिलिंग सामने आप देख सकते हैं पर दिखेगा नहीं, तो आशापुरी माता का मंदिर यहाँ दिखता है। और इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ बीड़ साहब, तो बीड़ से जो पैराग्लाइडर्स हैं फ्लाइट लेते हैं। देखो अभी आपको दिखाता हूँ वो पैराग्लाइडर उड़ रहा है सामने। ये याद कर रहा था मैंने, पैराग्लाइडर उड़ रहे हैं जो कि बीड़ से है। थोड़ी दूर के बाद फिर थोड़ा घना जंगल भी आएगा। रास्ता बना हुआ है, आपको चलना है, रास्ता भटकना नहीं है बिल्कुल भी। कई रास्ते मिलते हैं और जंगली जानवर भी काफ़ी यहाँ मिलते हैं, खासकर यहाँ भालू बहुत तंग करता है। पिछली बार हम बिना हथियारों के गए थे तो भालू ने मिल गया था, अटैक तो नहीं किया था लेकिन चिल्ला चिल्ला के तंग कर रहा था, पीछा कर रहा था। तो हमने काफ़ी सीटियाँ मारी थी, हल्ला किया था। इस बार तो आए इस बार भालू ऐसे कि तैसे भालू गए। माता के मंदिर पहुंच चुके हैं हम। ऊपर देखिए आकाश में पैराग्लाइडर। हाँ इसके पीछे एक नहीं दर्जन भर पायलट्स उड़ रहे हैं जो कि भीड़ से आए हैं ये लोग। और मंदिर का कायाकल्प हो रहा है, लग रहा है कि वाइट वॉश हो रहा है।
छह सीढ़ियां, ये माता का मंदिर। जय माता दी। और देखिए तिरंगे के साथ ऊपर पैराग्लाइडर, ऊपर आकाश में देख सकते हैं आप पैराग्लाइडर उड़ रहे हैं। वाओ, सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये सारे पायलट्स बिलिंग से उड़ान भर के धर्मशाला और पालमपुर की वादियों में आनंद लेते हैं। हेलो बाबा, बहुत ही पास पैराग्लाइडर माता मंदिर के बिल्कुल। फिर हमारे साथ प्ले कर रहा है, फिर आया। नो नो, ये दिखा रहे हैं आपको ट्रिक्स। वाओ, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं ऐसे करते हैं, खेलते हैं। खेलते तो है ना सर, प्लस विकेट रहा इसका। ओ शिट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पच गया, पच गया। कंट्रोल कंट्रोल, गुड, वेल कंट्रोल। अचानक ही एम्बुलेंस मिल गया। जय माता बिरनी। चाचा जी मंदिर पहुंच गए हैं और ये जो घंटी लेके आए हैं माता के मंदिर में, इसको लगाएंगे। इनकी मुराद पूरी हुई है इसलिए यहाँ पहुंचे हैं। आजा 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 आजा, ये देखिए देखिए इनको आप, क्या शानदार डॉग्स हैं। वाओ वाओ वाओ, कम हियर कम हियर, आ ले ले, आजा आजा आजा, अब फोटो आगे जा, वहां से जा, वहां से खींच, आजा आजा। या मेरी माता मंदिर पहुंच चुका हूं और ये आप देख रहे हैं यहाँ से नज़ारे आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे हम लंच करेंगे, आपको डॉग्स दिखाए, इतने प्यारे डॉग्स हैं ये देखिए। आओ आओ आओ, ये देखो डॉग, प्योर कली डॉग, ये दो हैं, यही मिलते हैं ये। आप इतने प्यारे डॉग्स ये सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ों पे ही देख सकते हैं। ये सामने दिखाता हूँ आपको, आकाश में जो है खाना। तो यार लंच होल्ड है, हम करेंगे लंच, उसके बाद आपसे करते हैं दोबारा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो छोटे छोटे टहनियाँ हैं, छोटे पौधे हैं, बेसिकली लुंगड़ू, आपने सुना होगा लुंगड़ू, लुंगड़ू होता है जो छोटा होता है उससे सब्जी बनती है उसकी, लेकिन जब वो नहीं काटा जाता है तो वो इस तरह से बड़ा हो जाता है, और बड़ा होके इस तरह का वो एक छोटे पेड़ पौधे का टूप लेता है। हमारे पीछे एक बड़ा ही घना जंगल आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ का मज़ा लेना हो तो आपको भी नहीं आता, मंदिर से लगभग कोई 50-60 मीटर 100 मीटर तक आना पड़ेगा। बड़े घना और प्यारा जंगल है और बहुत अच्छी फोटोग्राफी यहाँ पे हो सकती है। ब्यूटीफुल प्लेस। ओह, फिटनेस बॉडी स्टार्ट हो गई। चलो, आपको याद होगा मोगली सीरियल और जंगल जंगल बात चली, ये जो मैं हाथ में पकड़ रखी है इसे बोलते हैं बेल, जंगलों में खास कर पाती है, जिसमें आप लटक के झूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं झूलूंगा क्योंकि बेल का पता नहीं टूट गई तो हमारी टांग भी टूट सकती है। आई ओह,
जंगल में आप इस तरह के बेलों पे घूम भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इस बेल में फूट नहीं है। यहाँ पे चुनाव लेकिन बेल की चाहिए है, एक भाई को मार लेते हैं। हाँ ये आप जो भी बेल है ज़्यादा ऊपर देखो उसको ना बेल लॉन्ग स्विंग करेंगे नीचे को। जंगल आपको पेड़ों में तने लग रहे हैं, यहाँ पे तो मतलब आपका दिल जो है बोलेगा कि मैंने वापिस यहाँ से जाना नहीं है। सिर्फ बिरनी माता से 50-60 मीटर आगे का ये जगह है, देखिए कितनी सुंदर जगह है। बेसिकली जंगल है भालुओं का, घने जंगल में भालू बड़े मिलते हैं और भालू से बचना बहुत जरूरी है, हमें डराटा इसलिए।